पर करा है सीएनजी में, वो पंच में करा है। आपको दिखाते हैं, ये है टाटा पंच आई सीएनजी, और इसमें एक जो यूनिक बात है वो दिखाता हूँ मैं आपको। दिस इज अ कैबिन, और ये इंडिया की फर्स्ट कार है जो ट्विन सिलेंडर में आती है, मतलब इसमें सीएनजी के दो सिलेंडर लगे हुए हैं। मैं ट्राई करता हूँ, लॉन्चिंग चल रही है, तो आइए पहले लॉन्चिंग की तरफ ही चलते हैं, फिर आपको कार्स के बारे में दिखाएंगे। दिस इज अ किया, किया की लॉन्चिंग चल रही है यहाँ पे, किया EV9 एंड किया KA4। So this is a Kia Electric and this one. बहुत ही प्यारी लग रही है कार, दोनों ही Kia की तरफ से आती है। तो देखिए ऊपर की तरफ में जो वो है, वो ऊपर जो लाइट्स हैं वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं। अब पीछे की क्राउड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, करते हैं थोड़ा सा। दिस इज अब किया एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की तरफ से किया का, किया ने बनाई है एम्बुलेंस भी, किया किया की तरफ से आने वाली एम्बुलेंस है। दिस इज अ किया एम्बुलेंस EV9, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जैसे कि इसके नाम में ही EV है, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक ही है। ये इस टाइप की आती है, देखिए बड़े ही प्यारे लुक आ रही है इस किया की भी, किया EV6। बैक साइड से जो आती है वो ये लुक आती है, सिडान आती है किया की EV6, GT लाइन की ब्रांडिंग है। देखिए इस तरीके से दिखती है ये किया EV6। तो चलिए नेक्स्ट कार की तरफ हम बढ़ते हैं, और यहाँ पे किया की तरफ से आता है ये गेमिंग के लिए एक सेटअप, गेमिंग सेटअप जो कि काफ़ी लोग देखिए वहाँ पे खेल भी रहे हैं गेम उस पर खड़े होके। तो हम भी ट्राई करेंगे, कोशिश करते हैं, टाइम बचेगा तो ज़रूर ट्राई करें। जो है किया की तरफ से किया कैरेंस, जो कि इस टाइप से आपने रोड पे भी देखी होगी, किया कैरेंस है ये, और ये लुक आती है इसकी। और ये 7-सीटर कार है जो कि इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही अच्छी कार है। बाकी देखिए पीछे से लुक है इस टाइप का, ऑटोमेटिक वेरिएंट ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए किया कैरेंस। नेक्स्ट कार की तरफ हम बढ़ते हैं, ये है किया की सेल्टोस एक्स लाइन। दिस इज अ किया सेल्टोस एक्स लाइन, इसमें देखिए कुछ यूनिक भी करने की कोशिश की है किया ने, ऑरेंज कलर की बैजिंग यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, और ये कलर जो है वो मैट खड़ा हुआ है यहाँ पे, मैट कलर है किया सेल्टोस एक्स लाइन का। नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी किया की सेल्टोस ही है ये किया की, किया सोनेट एक्स लाइन है, ये एक्स लाइन वेरिएंट है ये किया का, मैट में आता है ये भी, तो ये भी बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है मैट में, तो काफ़ी अच्छी लग रही है ये यहाँ पे। बाकी आप बताइए आपको ये किया की दोनों एक्स लाइन सेगमेंट जो है कार्स वो कैसी लगी। किया सोनेट जो है वो ऑलरेडी मार्केट में आती है, नॉर्मल एक्स लाइन ये न्यू है। तो चलिए
दूसरी कार की तरफ चलते हैं। ये सिक्स अभी मैंने आपको पहले दिखाई, ये रेड कलर का वेरिएंट खड़ा हुआ, रेड कलर खड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसमें कि ये भी बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। नीचे की तरफ देखिए, आपको दिख रहा होगा तो 360 कैमरा भी दिया हुआ है यहाँ पे नीचे की तरफ में, तो काफ़ी अच्छा सेगमेंट लगता है ये किया का। और किया और MG ये एक साथ आने वाली है, बट किया ने जो है MG के बाद बहुत अच्छी मार्केट, इंडियन मार्केट पकड़ी हुई है। देखिए फ्रंट की साइड में भी आपको दिख रहा होगा तो कैमरा मिल जाता है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं। ओ सॉरी, कार्स तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है किया की, सोनेट वगैरह के पुराने मॉडल्स खड़े हुए हैं। तो चलिए हम अब नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं, अब देखते हैं किस में जाएंगे। हमने देख लिया, अब हम चलते हैं टाटा में। अब टाटा में चल के आपको दिखाते हैं, मैंने देखा था काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं टाटा में न्यू, तो चलते हैं लेके टाटा। टियागो ईवी देख सकते हैं, फुली इलेक्ट्रॉनिक टियागो की जो ईवी है वो है ये। फुली साइड टियागो ईवी, यहाँ पे बैचिंग होती है, बैचिंग दी जाती है। जो ईवी कार्स है उसमें सब में जो भी बैटरीज हैं वो नीचे की तरफ दी जाती है, तो यहाँ पे बैचिंग दी जाती है ईवी की, और यहाँ से आप स्कैन करके इसे इसके बारे में पूरी स्पेक्स ले सकते हैं। जो है वो भी ईवी में ही आएगी, तो देखिए क्या प्यारा लुक लग रहा है बैक साइड का, ये टेल लैंप्स का। और फ्रंट लुक जो है वो हैरियर का जो पुराना लुक है उसी टाइप का ही है, ईवी कर रखा है। टाइप ऑफ ईवी की बैचिंग करी हुई है यहाँ पे, और ये देखिए फ्रंट से क्या लुक आ रहा है इसका। ये भी ईवी व्हीकल है, एक चीज़ नहीं समझ आई बस मुझे, या तो इसमें नहीं है जो कार के कलर से डिस्क ब्रेक का जो कलर है वो मैच नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या पता आगे सुधारा जाए इस चीज़ को। बाकी ये प्यारी बहुत लग रही है कार, और जो हैंडल्स बार्स हैं वो जैसे SUV रेंज रोवर्स में आते हैं उस टाइप के हैंडल्स बार्स हैं इसके। ये देखिए ये बैक साइड की लुक है ये इसकी, रूफ की बहुत ही प्यारी लगती है। और अभी जो मैं अब लेके चलता हूँ ये हो गए ईवी सारे ईवी कार्स, अब मैं लेके चलता हूँ आपको CNG पे, जो CNG में वर्क कराया ना टाटा में वो दिखाता हूँ। वर्क कराया CNG में वो पंच में करा है, आपको दिखाते हैं। ये है टाटा पंच ICNG, और इसमें एक जो यूनिक बात है वो दिखाता हूँ मैं आपको। दिस इज़ अ कैबिन, और ये इंडिया की फर्स्ट कार है जो ट्विन सिलेंडर में आती है, मतलब इसमें CNG के दो सिलेंडर लगे हुए हैं। मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की। इंडिया फर्स्ट ट्विन सिलेंडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सिलेंडर CNG के फिटेड हैं, और दो सिलेंडर जो है वो टाटा पंच में लगा दिए गए हैं। देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस और एवरेज का हम इसका जो है बताएंगे आपको कि क्या एवरेज निकालेगी अभी ट्विन सिलेंडर के बाद में, और कितने KG इसमें CNG आ पाएगी टोटल। अप्रोक्स में जो बता रहे हैं 12 केजी का एक सिलेंडर बता रहे हैं, तो अप्रोक्स की 8 किलो CNG आएगी, मतलब 16 KG CNG टोटल आप इसमें पंच में
ले जाके मतलब ले सकते हैं 16 kg। तो ये बहुत ही एक अलग कॉन्सेप्ट है कि ट्विन सिलेंडर पे इंडिया की पहली गाड़ी है जो ट्विन सिलेंडर पे है।